जम्मू कश्मीर में जब भी एकजुटता की बात चलती है या सोशल सिविल सोसाइटी को इकट्ठा करने की बात चलती है तो बार एसोसिएशन का नाम सबसे टॉप पर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मूवासी अपने आप को ये समझते हैं कि कोई भी दिक्कत आएगी तो बार एसोसिएशन उनके पीछे खड़ा है। यही वजह है कि जब बार एसोसिएशन के चुनाव होते हैं तो पूरे जम्मू की नजरें कहीं ना कहीं उन चुनावों पर पड़ जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब एक बार फिर बार एसोसिएशन के चुनाव जो है वो आने वाले हैं, लेकिन क्या ये आने वाले चुनाव हमारी बार एसोसिएशन को ही कमजोर कर सकती है, जिसे कि पूरे जम्मू अपने आप को ताकत महसूस करने के लिए बार एसोसिएशन के चुनावों पर नजर जो है वो गड़ाए रहते हैं। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रोहित भगत जी, बार एसोसिएशन के। रोहित जी, आपका स्वागत है। रोहित जी, जिस तरह की ये स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि अब चुनाव तो हो रहे हैं बार एसोसिएशन के, शायद नोटिफिकेशन जो निकल भी चुकी है 24 अप्रैल को, लेकिन उस एसोसिएशन जो चुनाव होंगे ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ इस तरह के किंतु परंतु चांसेस चल रहे हैं जिससे शायद चुनावों के बाद बात जो है वो मजबूत होने के बजाय और ज़्यादा कमज़ोर हो पाएगी। अमित जी, सबसे पहले तो मैं उन कैंडिडेट्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो कि इलेक्शंस जो है वो एक तरह से अनाउंस हो चुकी हैं। हमारे रिटर्निंग ऑफिसर भी जो है वो बन गए हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट बार सरदार सुरेंद्र सिंह जी, जो कि कन्वीन कराएंगे, और मुझे लगता है कि वो इसमें पूरे तरीके से सक्षम रहेंगे क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है बार एसोसिएशन के इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ कि वो अपने आने वाले टाइम में जो है अच्छे तरीके से जो है वो अपनी कंपेनिंग करें और इलेक्शंस में जो है वो बेस्ट कैंडिडेट जो है उन्हें विन। जैसा कि वो नोटिफिकेशन और सर्कुलर की बात हम लोगों ने की, एक नोटिफिकेशन सर्कुलर है जो अभी इसी महीने जो है वो इशू किया है प्रेसिडियम ने, जिसके तहत प्रेसिडियम डिसॉल्व हुआ है और रिटर्निंग ऑफिसर बना है। उस नोटिस में ही एक पैराग्राफ लिखा गया है कि अगर 50% मेंबर्स जो हैं वो अपनी फ़ी जो है, जो मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी है, वो डिपॉजिट करवा देते हैं, या 1500 मेंबर जो है बार एसोसिएशन के वो करवा देते हैं, तो हम लोग इस एसोसिएशन की इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इलेक्शंस मे बी डेफर्ड, दैट वुड बी द कंडीशन। दूसरी एक चीज़ आती है कि किसी एक तो कॉर्नर से शायद कहीं से ये बातें भी आ रही हैं कि इस बार हो सकता है जो हमारी पेरिफेरीज बार्स हैं, सिस्टर कंसर्न बार हैं, उन लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका ना मिले या उन लोगों को राइट ना दिया जाए बार एसोसिएशन के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का, वोट कास्ट करने का। पहली बात तो ये है कि अगर ऐसी बात हो रही है या किसी के दिमाग में ऐसी मंशा चल रही है तो वो बिल्कुल धारणा गलत है, उन लोगों को इस चीज़ को अभी ही मेंड कर देना चाहिए और ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। जो पेरिफेरीज बार में मेंबर हैं दे आर अवर फैमिली मेंबर्स, वो लोग वो हैं जिन्होंने बार एसोसिएशन को टाइम टू टाइम सपोर्ट किया है। बार एसोसिएशन की एक कॉल पे उन लोगों ने अपना काम बंद किया है, बार एसोसिएशन की एक कॉल पे बार एसोसिएशन जम्मू, जे एन के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बार एसोसिएशन को सपोर्ट किया और अपने वहाँ पर काम सस्पेंड करके कॉजिस को अपने साथ हमारे साथ रह के परस्यू किया। आज अगर हम इस धारणा को लेके चल रहे हैं कि उन लोगों को वोट नहीं देने दिया जाए या उन लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाए तो मुझे लगता है वो किसी हद तक बहुत गलत बात है, क्योंकि आज अगर एक फैमिली मेंबर है हमारा, अगर वो अपने आप को सक्षम कर लेता है कि मैं खुद अर्न कर सकता हूँ, खुद कमा सकता हूँ, तो क्या फादर उसको घर से बाहर निकाल देगा? क्या उसका इतना हक भी नहीं है? एक मेंबर जो कि कठुआ से है, सांबे से है, रजौरी से है, पुंछ से है, हम लोग यहाँ पे जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जो है एक फूलों के गुलदस्ते की तरह है। इसमें अलग अलग तरह के, अलग अलग भांति के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के, सब तरह के फूल हैं जो इस गुलदस्ते में सजे हुए हैं। अब हम अपनी मर्जी से कुछ फूलों को हटा के बाहर निकाल दें इस गुलदस्ते से और बोलें कि हमें पसंद नहीं है, तो कहाँ तक ये चीज़ जस्टिफाई है? गुलदस्ता वही होता है जो गुलों से खिलाओ और जिसमें भिन्न अलग अलग भांति के, अलग अलग प्रजाति के गुल लगे हैं और जो इतने फैमिलियर तरीके से रह रहे हैं,
आज हम उसको निकाल के बाहर फेंक दें तो मुझे लगता है किसी हद तक जायज नहीं होगा। रोहित जी ऑलरेडी जैसे रायका में प्लान कर रहे हैं कि हाई कोर्ट वहां पे चले जाएगा जी, कुछ कोर्ट्स जो है वो जानीपुर में ही रह जाएगी, तो यदि पहले से बाइफर्केशन से कहीं ना कहीं बार को लग रहा था कि बार के कुछ मेंबर्स को लग रहा था कि शायद इससे कुछ कमजोर हो सकता है बार, अब यदि जिस तरह से आप स्पेकुलेशन लगा रहे हैं, यदि पेरिफेरीज की यानी उधमपुर कठुआ सांबा वहां के जो एडवोकेट फ्रेटर्निटी है यदि उनको भी अलग कर दिया गया तो फिर बार बचेगी कैसे, कहां तक बचेगी, एक जम्मू डिस्ट्रिक्ट की सिर्फ। अमित जी इस चीज़ पे जो आपने रायका की बात की तो मैं आपके माध्यम से इस चीज़ को भी अपना मत रखने का मुझे संविधान पूरा अधिकार देता है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना मत जो है वो आपके सामने रखूँ। रायका में कोर्ट शिफ्ट करने की बात जो है वो एक इंडेंट था जो पास हुआ या नहीं हुआ हम लोगों के टेन्योर के दौरान जो है क्या गतिविधियाँ हुई मीडिया में हर एक चीज़ जो है रिफ्लेक्ट की है। आज क्या है पोजीशन, आज किस पोजीशन पे है, वहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मगर एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहली चीज़ कि यहाँ पे वी हैव प्लेंटी ऑफ लैंड जहाँ पे इस टाइम पे एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट हमारा है, अप्रॉक्सीमेटली वी हैव मोर देन 600 कैनाल्स ऑफ लैंड जिसमें हमारा ट्रायल कोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमारा हाई कोर्ट का कॉम्प्लेक्स और जिसमें हमारे कुछ फोरम्स जो हैं वो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड हमारे पास इतनी लैंड है कि हम लोग यहाँ पे कुछ और कॉम्प्लेक्सेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो यहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी सूरत आती है कि इन केस जोरो जबरदस्ती से या जद्दोजहद से हम लोगों को नाराज करके या हम लोगों से लड़के कहीं हाई कोर्ट वगैरह का प्रीमाइसिस जो है वहां पे शिफ्ट हो जाता है तो उस सूरत में सिर्फ प्रीमाइसिस वो शिफ्ट नहीं होगा, उसके साथ साथ ट्रायल कोर्ट भी वहां शिफ्ट होना चाहिए, उसके साथ साथ बाकी फोरम्स भी वहां पे शिफ्ट होने चाहिए ताकि वकीलों की जो तंजीम है वो किसी तरीके से कमजोर ना हो। मुझे लगता है कि ये कमजोर करने की साजिश है कि ट्रायल कोर्ट के वकील अलग कर दो, हाई कोर्ट के वकील अलग कर दो, ट्रिब्यूनल्स के वकील अलग कर दो, जब हम एक छत के नीचे, जब कोर्ट हमें हमारा सिविल प्रोसीजर लॉ है, जब वहां पे हमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन को कोर्ट बार करता है कि एक तरह के 10 केस हम अलग अलग नहीं चलाएंगे इकट्ठे करके करेंगे, तो जब वकीलों को तुम बाइफर्केट कर रहे हो इसका पर्पज क्या हुआ, लॉ हमें इकट्ठा कर रहा है आप हमें अलग कर रहे हो, तो ये सूरत कहीं से सही दिखती नहीं है। खैर अभी की बात नहीं है, जब वो चीज़ होगी देखा जाएगा और मुझे लगता है कि अगर हालात ऐसे हुए तो एक जद्दोजहद फिर से जन्म लेगी और रिवाइव करेगी जम्मू बार एसोसिएशन जो है और शायद वो उस लेवल पे आके उस चीज़ को एजिटेट करेगी और मुझे लगता है करना भी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन इस समय चुनावों को लेकर कर रहे हैं, क्या इस समय माहौल उस तरह का है, पैंडेमिक है, चुनाव यदि हो जाते हैं क्या एडवोकेट फ्रेटर्निटी अपने आप को लग रहा है कि वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार है? मैं अमित जी आपको एक बात बताऊं कि एक वकील फैटर्निटी जो है, जो एडवोकेट फैटर्निटी है और मीडिया फैटर्निटी जो है, ये सबसे ज़्यादा एक्सपोजर में रहे हैं पैंडेमिक में और सबसे ज़्यादा इन्होंने काम किया, जहाँ पे इन्होंने फ्रंट लाइनर्स बनाया डॉक्टर्स को, जहाँ पे इन्होंने हमारे जो पैरामिलिट्री है, यहाँ पे हमारी पुलिस पर्सनल्स हैं, इन सब के साथ साथ कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं जिनको इन्होंने फ्रंट लाइनर्स बनाया और आज की वो स्टेज है कि इन फ्रंट लाइनर्स की वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छा स्टेप है। बट कहीं ना कहीं एक चीज़, एक कोताही जो है मुझे लगता है कि वो शायद सरकार की तरफ से है या फिर कोई इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा, और मेरी आपके माध्यम से सिटिंग चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ जे एंड के उनसे भी अपील है, लर्न हमारे जो गवर्नर साहब हैं उनसे भी ये अपील है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी ये अपील है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में एडवोकेट ने पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन किया है, जिस माहौल में और जितने एक्सपोजर में एक वकील रहा है इस पैंडेमिक के दौरान और आज भी जूझ रहा है, वो क्लाइंट से मिल रहा है, वो स्टेनोग्राफर से मिल रहा है, वो डिक्टेशन दे रहा है, वो पुलिस वालों से इंटरेक्ट कर रहा है, उस शख्स को जो कि एक वकला है, एक वकील है, उसकी वैक्सीनेशन के बारे में अगर आप नहीं सोचें तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है एक दगा हो जाएगा और मुझे लगता है कि इस अपील को कहीं ना कहीं कंसिडर करके
वकीलों के यहाँ पे भी जजिस के साथ साथ एडवोकेट्स, बिकॉज वी टू आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, तो हम लोगों को भी फ्रंट लाइनर्स की तरह वैक्सीनेशन जो है हमारी भी होनी चाहिए, एडवोकेट्स की भी होनी चाहिए, और जिससे हम लोग थोड़ा सा खुल के और अपने आप को, क्योंकि जितना लॉस हमें हुआ है सब चीज़ें खुलने के बाद भी हम बंधे हुए हैं, हमारे हमारे पाँव में आज भी बेड़ियाँ हैं, अगर आप देखेंगे उस उत्सुकता से या उस फ्री माहौल में हम लोग आज भी काम नहीं कर पा रहे हैं और कोर्टों में नहीं जा पा रहे हैं। आज भी जो है सिर्फ जिन लोगों की रिक्वायरमेंट है उन्हीं को कोर्ट के अंदर आने दिया जा रहा है, अदरवाइज नहीं दिया, और जिनको आने दिया जा रहा है वकील के साथ आने दिया जा रहा है, तो वकील जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर पे है। तो मुझे लगता है कि वकीलों के बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए और हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनको भी सोचना चाहिए कि अगर वैक्सीनेशन हुए तो वकीलों के भी साथ साथ हुए और यहाँ पे भी कैंप लगाया जाए जम्मू हाई कोर्ट में और पैराफिरिस बार में, ताकि वैक्सीनेशन जो है प्रॉपर तरीके से हम लोगों को पहुँचे। बिल्कुल, और ये वैक्सीनेशन वोकला साहिबान के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 24 अप्रैल को यदि चुनावों की घोषणा नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है तो उसमें कहीं ना कहीं चुनावों से पहले इस तरह से वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। और दूसरी बड़ी बात है कि यदि ये चुनाव होते हैं तो इस इन चुनावों को करवाने के लिए मंशा ये होनी चाहिए कि बार एसोसिएशन को और ज़्यादा मजबूत किया जाए, कुछ ऐसे स्टेप्स ना लिए जाए जिससे कि बार मजबूत होने की बजाय कम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाए। फिलहाल रोहित जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आप जुड़े रहिए न्यूज़ के साथ, मुझे रमेश कुमार, फिर मेरे को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।